3 करोड़ का गांजा मिला है। ताली बजाई जोर से। टीवी शो में कांग्रेस नेता ने गोदी मीडिया की बता दी सच्चाई, अंजना कश्यप मुंह देखती रह गईं। गुजरात का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी चर्चाओं का दौर भी बढ़ता जा रहा है। सत्ताधारी भाजपा से मुकाबले के लिए मैदान में आम आदमी पार्टी जोरों शोर से लगी हुई है, तो दूसरी ओर नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी कांग्रेस भी रणनीति बनाने में जुट गई है। दूसरी तरफ टीवी चैनलों पर इसको लेकर चर्चाएं और डिबेट शो भी तेज हो गए हैं। आज तक न्यूज चैनल पर एंकर अंजना कश्यप के साथ हल्ला बोल कार्यक्रम में भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच जोरदार बहस हुई। इस दौरान एंकर अंजना कश्यप ने जब पूछा कि स्कूलों और विज्ञापनों पर चर्चा चल रही है और पिछली बार कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर थी, भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही थी, इस बार क्या आपकी जमीन खिसक रही है? इस सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने आज के अखबारों की कटिंग दिखाते हुए राज्य की बदहालियां गिनाने लगे और कहा, राज्य में 3 करोड़ का गांजा मिला है। इतना ही नहीं, आलोक शर्मा ने मीडिया के विज्ञापनों का असर बताया, जिसे सुनने के बाद अंजना कश्यप मुंह देखती रह गईं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, विज्ञापन की बात हो रही है तो मैं विज्ञापनों का असर बताता हूँ। रिया चक्रवर्ती की 10 ग्राम की पुड़िया के लिए पूरा नोएडा का मीडिया कैमरे ले लेकर वहाँ बॉम्बे खड़ा हुआ था। नारकोटिक्स कार्यालय के बाहर एक कैमरा गया हो अडानी पोर्ट के बाहर, तो मुझे बता दीजिए, लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई वहाँ पर, विज्ञापनों का ही तो असर है ये। नहीं, ये क्या किसी न्यूज चैनल ने दिखाया हो कि 600 किलो गांजा गुजरात में आज पकड़ा गया हो, तो मुझे बता दीजिए। सोशल मीडिया पर डिबेट का ये क्लिप वायरल हो रहा है, जिस पर जनता लगातार कमेंट्स करती नजर आ रही है। वीडियो शेयर करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कटाक्ष किया, मोदी और गोदी का पर्दाफाश। तो रजनीश बघेलवी नाम के शख्स ने ट्वीट किया, एंकराओं के उग्र होने पर जिस तरह जनता ताली पीट रही है, उसे यही लगता है कि सब आयतित रहता है। तो रेवा कांग्रेस दल ने ट्वीट किया, शर्मा जी आपने बेहतर आईना दिखाया गोदी मीडिया के इस एंकर का, धन्यवाद। तो एक ट्विटर यूजर ने लिखा, फुल बकवास बोल रहे हैं शर्मा जी, लगता है इन्हें टिकट चाहिए अगले लोकसभा चुनाव का, अंजना कश्यप ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा द्वारा दिए गए इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।